नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति नाम है समुंदर सिंह और किस तरीके से तस्वीर उनके बेटे ने पकड़ी हुई है। इस समय सिविल लाइन थाने की तस्वीरें हैं जहां पर बेटा पहुंचा है। और बता दें करनाल के कल्पना चावला अस्पताल, जो कि बता दें बहुत बड़ा अस्पताल है, जहां पर दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, ऐसे में ही अपने पिता का इलाज करवाने के लिए भी पहुँचते हैं। लेकिन किस तरीके से पिता वहाँ से चले जाते हैं और न जाने कहाँ जा चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अभी फिलहाल तस्वीरें सिविल लाइन थाने की हैं, जहाँ पर फिलहाल मामले को लेकर परिवार पहुँचा हुआ है और अभी फिलहाल पिता जो है न जाने कहाँ पर है। इसलिए इस वीडियो को आप अभी शेयर कीजिए और यहाँ पर पूरी जानकारी जरूर लेंगे। आपका क्या नाम है? जोनी। आप क्या लगते हैं इनके? मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं आपके? तो ये कल आप कहाँ से आए हो आप यहाँ करनाल? यहाँ परसों आए थे, बच्चों के साथ लेके आए थे, एडमिट किए या गुड़िया, 3 साल की गुड़िया। अच्छा, उसको एडमिट किया? हाँ, साथ में वाइफ ही, हम इसका टेस्ट करवाने के लिए लेके गए और पिताजी को भी दिखाने लाए। हाँ, पिताजी को भी साथ में, अक्सर तो भूल गए थे। अच्छा। सैंपल, खून का सैंपल, ब्लड टेस्ट देने के लिए रिपोर्ट गए ऊपर, इतने आने में वहाँ से पता नहीं चला, 2 मिनट ही लगी थी आने जाने में। ठीक है ठीक है। तो ये मतलब नीचे खड़े थे फिर? नीचे थे, नीचे फ्लोर पे ही थे, पहले फ्लोर पे ही, जहाँ पे फ्लोर पे ही। हाँ, वहीं से पता नहीं चला कहाँ गए। तो ये अपने मतलब दिमागी रूप से ठीक है या कुछ? दिमागी रूप से नहीं है, इसके 20-22 साल हो गए। दिमागी इलाज भी पहले दवाई चलाई हुई थी, अभी तो बंद थी इसकी काफी टाइम से। इसके पेट में दर्द था, इसके पेट के टेस्ट करवाने के लिए लेके आए थे, छाती के। अच्छा, इनको पेट में दर्द रहता था? हाँ, 15 दिन से इन्हें खाना नहीं खाया था। ठीक है। अभी ये इसको गुड़िया के साथ लेके आए थे। ठीक है जी। तो ये अभी मतलब इनके पास कोई ऐसा कोई फोन फैन तो नहीं चलाते होंगे? नहीं, इसको कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। इनको घर का एड्रेस पता है? हाँ, पता है, एड्रेस का पता है, लेकिन इसको नहीं पता जाना कहाँ पे है। अच्छा, ये नहीं, खाना पीना का कोई पता नहीं है इसको। अच्छा, इनको ये नहीं मालूम है? नहीं मालूम। तो ये जब मतलब वहाँ से निकले हैं, कपड़े क्या कुछ डाले थे? यही डाले हुए थे, यही कपड़े डाले, यही डाले हुए। ये कल की तस्वीर है? परसों की तस्वीर है। परसों की तस्वीर है, आप एक बार देख लीजिए। ये तस्वीर परसों की है, जो कपड़े ये बुजुर्ग व्यक्ति इन्होंने डाले हुए हैं, कपड़े भी इन्होंने यही डाले हुए हैं। ये पजामा आप इनका देख पा रहे हैं, शर्ट देख पा रहे हैं, इसी कलर की है और फिलहाल बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि ये परसों की तस्वीर है। अभी लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप कहीं पर भी इनको देखें करनाल शहर के आसपास, करनाल शहर के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लगातार बता दें, तो हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं और शेयर भी लोग ज़रूर करते हैं। अभी भी सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं कि शायद यहां पर जो है पुलिस के पास कोई जानकारी हो, क्योंकि यहां पर भी मामला दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अभी फिलहाल आपका कोई फ़ोन नंबर या ऐसी कोई चीज़ आपके पास एक बार बता दो आप? 82 82 65 17। अच्छा, दोबारा नंबर बता दीजिए। 82 82 65 17। तो जो भी है वो इसी नंबर पे संपर्क करें। हाँ, इसी नंबर पे संपर्क करें, इसी नंबर पे संपर्क करें। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं, गांव कौन सा बताया आपने? सीसला। सीसला गांव, कैथल के पास पड़ता है? कैथल के पास है। कैथल के पास पड़ता है। आप भी साथ में ही आए हुए इनके? हाँ, मैं यहाँ करनाल का हूँ। अच्छा, आप करनाल से? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके हम दोस्त हैं इनके? ये मेरा मामा लगते हैं। अच्छा, आपके मामा लगते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल आपको कब पता चलता है ऐसे ऐसे गायब हो गए? ये कल शाम को ही बताया मैंने, कल शाम को पता चला था। यहाँ पर लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ढूंढे ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करे, नहीं कोशिश करके हमारे को बता सके, भाई फ़ोन भी कहीं भी पता कैसे लगे बता सके बस। बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें तो ये बुजुर्ग व्यक्ति आप देख सकते हैं, नाम क्या बताएं इनका? ये समुंदर सिंह। समुंदर सिंह नाम, उम्र कितनी है? उम्र 47 साल। 47 साल है उम्र, 47 साल फिलहाल यहाँ पर बता रहे हैं और समुंदर सिंह नाम है। इस वीडियो को आप शेयर करें, कहीं पर भी देखें तो जो नंबर इन्होंने बताया है इनके बेटे ने, वो उनसे संपर्क करें। फिलहाल सिविल लाइन थाने की तस्वीरें हैं, फिलहाल मामला यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है और फिर आप सभी लोग जो है आईबीन 24 के जितने दर्शक हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आईबीन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।